दोस्तों छोरी इलाहाबादी के चैनल में आप सभी का स्वागत है और आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे और यहां से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए प्रयागराज। तो बस मैं स्टेशन पे पहुंच चुकी हूं और आप देख सकते हो यहां पे कितनी सारी भीड़ है, कितने लोग हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए हम सफ़र। तो चलिए चलते हैं अब प्लेटफॉर्म के अंदर और मैं अंदर एंटर कर चुकी हूँ। सामने आप देख सकते हो बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें कि आपको हर ट्रेन का अपडेट मिलेगा, कौन सी ट्रेन कितने टाइम पे है और कौन कौन सी ट्रेन है, तो आपको बोर्ड पे यहाँ दिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र बनाया गया है जहाँ पे वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप देख सकते हो कितना कितना भीड़ है, कितना ही भीड़ है और बहुत भीड़ है। हर कोई कहीं ना कहीं जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, तो मैं भी उसी में से एक हूँ। आप देख सकते हो जगह जगह लोग वेट कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेन का, तो हम भी आगे बढ़ते हुए और चलते हुए कुछ हमारे जो यात्री हैं वो ऐसे आपको लेटे हुए भी मिल जाएंगे वेट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना यूज 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 रश है। प्लेटफॉर्म पे है, ये है प्रयागराज का प्लेटफॉर्म नंबर एक। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर एक पे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे हॉल टाइप्स के बने हुए हैं वेटिंग रूम्स जिसमें कि आप रुककर ट्रेन्स का वेट वगैरह कर सकते हो। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आप देख सकते हो ये एक रिजर्व लॉन्ग एरिया बनाया गया है जिसमें कि बहुत सारे जो हमारे यात्री होते हैं वो यहाँ पे रुक के अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। और सामने ही आपको एक छोटी सी शॉप मिल जाएगी स्नैक्स वगैरह का, तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, वाटर बॉटल और कुछ खाने की चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस सकते हो जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम खड़े हैं वहाँ पे एक रेलवे के द्वारा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, तो अगर आपको भूख लग रही है तो आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो। यहाँ पे आपको रीजनल प्राइस में आपको बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ के खाने मिल जाएंगे, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए। देख सकते हो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमसे यहाँ का टेम्परेचर एकदम बहुत हाई है, तो चलिए हम थोड़ा सा अपने गले को कुछ ठंडक देते हैं। और मैंने यहाँ से एक फ्रूटी बाई किया हुआ है, माही मैंगो, तो आइए इसको पी के थोड़े से अपने गले को ठंडक देते हैं। इनको आने में वक्त है, तो हमें मिल गई है ऐसी सीट बैठने के लिए, तो जिसमें हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए इस सीट पे बैठ चुके हैं। और ये इस गर्मी में यही एक चीज़ है जो हमारा पानी साथी है। कहने को तो ये माही मैंगो है, कुछ खास है लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी खास नहीं लगा। तो बस मजबूरी है, गर्मी है, तो बस हम इसका आनंद ले रहे हैं और आगे का मैं अपडेट आपको इसी तरह देती रहूँगी। हमारे ट्रेन को आने में वक्त है, तब तक क्यों ना मज़ा लिया जाए इस फ्रूट केक का। तो एक चीज़ आप और बताइएगा कि ये नेल पेंट मेरे हाथों में कैसा लग रहा है। मैंने आज ही इसको अपने हाथ में अप्लाई किया है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे हाथ में ये कलर कैसा लग रहा है मेरे नेल्स पे। तो आइए चलिए मज़ा लेते हैं फ्रूट केक का। भैया ये फ्रूट केक खा के तो मज़ा ही आ गया। तो हमारे इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ और हमारी ट्रेन आ चुकी है, धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म पे अब लगने वाली है। ट्रेन आ चुकी है और ये है हमारी प्रयागराज ट्रेन, आ चुकी है। अब बस हमें इसके लगने का इंतज़ार।
अपडेट देती रहूँगी। एसी कंपार्टमेंट जो कि चल रहा है, तो बस हम अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए सकते हो, हम अपने कंपार्टमेंट में चढ़ चुके हैं और हम सर्च कर रहे हैं अपनी सीट कि हमें कौन सी सीट नंबर अलॉट हुआ है। 49 पापा। तो आप देख सकते हो हमारी सीट को, हम देख रहे हैं कि हमारी सीट कहाँ पे अलॉट की गई है। तो बस आइए चल। तो मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ और ये है बाहर का व्यू और ये है मेरी सीट। तो मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ और ये हमारे सामने की सीट है, आप देख सकते हो। तो बस अब हमें इंतज़ार है अपनी ट्रेन चलने का, तो मैं आगे का अपडेट आपको देती रहूँगी। आप देख सकते हो मेरी ट्रेन खुल चुकी है दिल्ली के लिए और मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है इलाहाबाद से दिल्ली के लिए। तो बस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगले दिन। गुड नाइट, शब्बा खैर।